हमें श्रीमती अनीता राम भाऊ गडंबर मलका गुड़ा तहसील माहूर जिला नांदेड़ से हूँ, कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। श्रीमती अनीता राम भाऊ गडंबर मलका गुड़ा तहसील माहूर जिला नांदेड़ से हैं, कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं और अगर बैठी हों तो यहाँ आकर बिलपत्र ले जा सकती हैं। गुरुदेव, 3 साल पहले मेरे पति हार्ट अटैक में चले गए। पति शांत हो गए, मेरे 2 लड़के, दोनों ही की पढ़ाई चल रही थी और पढ़ाई चलते चलते पति चले गए, घर में कुछ भी नहीं था। गुरुदेव, पेन से पत्र लिख रही हूं परंतु ध्यान रखें, मेरे आंसू के बराबर ये पेन नहीं है। खाने तक के लाले पड़ गए, बच्चों को पढ़ाएं तो पढ़ाएं क्या। मेरे भाई ने मुझे कहा कि जीजी, जीजा के जाने के बाद में तेरे पास में कुछ भी नहीं है, कम से कम तू 2 टाइम की रोटी तो खा लेगी, बच्चों का पेट तो भर लेगी, तू मेरे पास आ। मकान भी अपना नहीं था, सब छोड़कर मैं अपने भाई के घर चली गई। मैं धन्यवाद देती हूँ मेरे भाई को, 7 साल मेरे भाई के गांव में रहकर मेरे भाई ने मेरी सेवा भी करा और मेरे भाई ने मुझे रखा और मेरे बच्चों का भी अध्ययन कराया। धीरे धीरे मैंने अपने भाई के साथ में काम करना प्रारंभ करा और जो मेरे को काम मिलता था वो कर लेती थी। बच्चे बड़े हो गए, समय निकल गया, मेरा बेटा बड़ा बेटा जैसे ही 12th कंप्लीट हुआ और उस बेटे ने विचार करा कि अब मेरी सरकारी नौकरी लग जाए। पूरे आसपास के लोग कहते हैं कि अब 12वीं पढ़े हुए व्यक्ति के सरकारी नौकरी करेगा, इतने बड़े बड़े पढ़े लिखे बेटे हैं उनकी सरकारी नौकरी नहीं लग रही तो तेरी कहाँ से लग जाए। तब मेरा ध्यान केवल एक बार आपका मोबाइल पर शिवपुराण पर गया और मैंने उस शिवपुराण को सुनना प्रारंभ करा। हम आपको कभी नहीं जानते थे गुरुदेव, ना कभी मिले थे। लड़के से मैंने कहा कि वो सियोर वाला महाराज कहता है कि अपना कर्म पूरा करो और अपनी मेहनत पूरी करो और शंकर जी पर 1 बेलपत्र शहद लगाकर चढ़ाकर जाना, शिव सुनेगा जरूर। एक दिन मेरे बेटे ने मुझसे कहा, माँ एक सरकारी नौकरी निकली है, क्या मैं फॉर्म भर दूँ। मैंने कथा सुनते सुनते अपने बेटे से कह दिया, हाँ फॉर्म भर दे। और मैं अपने भाई के यहाँ से फिर मैं वापिस अपने गांव में आ गई, वहीं पर मकान लेकर किराए से फिर वहां रहने लगी और बेटे ने सरकारी नौकरी के लिए एग्जाम दी और मेरे बाबा पर भरोसा कर मेरा बेटा रोज 2 लोटा जल चढ़ाता था, क्योंकि सियोर वाला महाराज ने कहा था 1 लोटा स्वयं के लिए, 1 लोटा दूसरे के लिए, जो सैनिक जो पुलिसकर्मी जो सरकार कार्य करती है उसके लिए। तो मेरे बेटे ने भी 2 लोटा जल चढ़ाया और एग्जाम दे दी और बाबा का ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, शायद दुनिया में कोई कृपा नहीं कर सकता। आज मेरा बेटा सरकारी नौकरी में लग गया, मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। और तो और गुरुजी, मैं भी मेहनत करती हूँ, मेरा बेटा भी मेहनत करता है और हमने मेहनत करते करते हमारे पास में कुछ भी नहीं था, आज बाबा की कृपा से हमने खुद की जमीन भी खरीद ली। मेरा बाबा कितना हाथ पकड़ता है गुरुदेव, मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ। ये शिव तत्व, ये ओघड़ी, एक विश्वास, हमारे कर्म का भोग हमें भोगना है, तुम्हारे कर्म का भोग तुम्हें भोगना है। कबीर बाबा का चरित्र कहता है कि गुरु की करनी गुरु भरेगा और चेला की करनी चेला, और उड़ जाएगा हंस अकेला। करनी का भोग सबको भोग, इसलिए फिर निवेदन करेंगे कि मत बुरे कर्म कर बंधु वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी,
मत करना हरि ओ अज्ञानी, मत करना तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा।